गया आज गणपति बप्पा, क्या कुछ चल रहा है? पहली बात तो ये जानना चाहेंगे, गणपति पधारे हुए हैं गणपति बप्पा, क्या कुछ चल रहा है आज? कुछ नहीं, बस बप्पा का सेवा कर रहे हैं, चालू है सेवा करना बप्पा का। 1.5 दिन के गणपति हैं हमारे, और स्पेशल भी है इस साल क्योंकि हम लोगों की शादी हुई है और शादी के बाद ये पहले गणपति हमारे, ऐसे 4th साल है ये। और बस यही स्पेशल है कि बस बप्पा की पूजा पाठ में हम लोग लगे हुए हैं। तो बप्पा के आगमन पे और क्या क्या और क्या विशेष होने वाला है, क्योंकि बप्पा का आगमन पूरे मुंबई में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, आप भी उसमें सेलिब्रेट कर रही हैं, तो सीमा सिंह का क्या कुछ खास होने वाला है ये सेलिब्रेशन बप्पा का? खास तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे लिए बप्पा इतने ज़्यादा मायने रखते हैं कि इनकी तैयारी हर साल हम लोग, मतलब जब आते हैं बप्पा तो तैयारी में लगे रहते हैं और कोशिश ये रहती है कि किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है, लोग आते और बोलते वाह बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया, लेकिन हम जानते हैं कि हम, अरे ये कमी रह गई ये कमी रह गई, तो हमारी तरफ से कभी वो चीज़ पूरी नहीं होती है। हमें लगता है कि हम जितना करें बप्पा के लिए तैयारियाँ उतनी कम है। हाँ इस बार ये है कि मैंने पिछले साल माना भी था कि वो मराठी में बोलते उकड़ी से मोदक, चावल के आटे का मोदक, तो वो बप्पा का फेवरेट होता है, जैसे हम सिद्धिविनायक भी जाते हैं तो वही चढ़ाते हैं बप्पा को, तो मैंने ये माना था कि इस साल मैं प्रसाद में वही रखूँगी, तो मैंने इस साल वही उकड़ी से मोदक रखी हूँ मैंने प्रसाद में स्पेशली बप्पा के लिए। सौरभ आप क्या कहना चाहोगे, बप्पा का आगमन हुआ है और कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको हैप्पी गणेश पूजा की बधाई दूंगा, सब लोग अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं, और बाकी बप्पा का आशीर्वाद है, सब अच्छे से चल रहा है और ऐसा आशीर्वाद बना रहे, सब पे बना रहे, मैं यही कामना करता हूँ। ये साल कुछ आपके लिए खास कोशिश है हमारी, हम लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश में हैं। बप्पा का आगमन हुआ है, कुछ सीमा सिंह का आगमन हुआ है आपके जीवन में? नहीं, बप्पा का आशीर्वाद है कि सीमा मुझे मिली है, उसके लिए तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। और रही कि हाँ हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं बप्पा के आशीर्वाद से, देखते हैं हम लोग कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं। आपके जीवन में कितना बदलाव आया है बप्पा का, ये मतलब अभी बहुत खास बदलाव? मैं बताने जाऊंगी तो एक किताब भर जाएगी कि ये 4th साल है बप्पा का। और मुझे फर्स्ट ईयर आज भी याद है कि बप्पा जब आए थे फर्स्ट टाइम घर, उसके बाद से अभी तक मेरी लाइफ चेंज ही होती गई है। 2 साल जब कंप्लीट हुआ था, 3rd साल में पप्पा ने मेरा एंगेजमेंट करा दिया, 4th साल में देखो शादी करके बिठा दिया, 5वें साल में पता नहीं क्या। तो उस बीच की जो कहानियाँ हैं ना, मैं ऐसी चढ़ती गई हूँ ऊपर, तो मैं मतलब बोलते ना आग बंद करके पापा पे विश्वास करती हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं ये मांगूंगी तो दे देंगे, ये मांगे, तो अब इस साल से मांगना भी बंद हो गया है कि बस इतना है कि पप्पा इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम लोगों को अपना प्यार और आशीर्वाद दे। हम कह सकते हैं कि विशेष आशीर्वाद है आपका, आपके ऊपर पप्पा। हाँ मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि एक कनेक्शन होता है ना, बप्पा एक ऐसे भगवान हैं जो दोस्त हैं, तो वो मेरे लिए दोस्त हैं। मैं हम लोग बचपन से इनकी पूजा करते आए हैं, हम जहाँ रहते थे वहाँ पर कोई 11 दिन के गणपति रखते थे, उनका मतलब 25 साल कंप्लीट हुआ है, किसी का 20 साल कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे गणपति में हम छोटे छोटे बच्चे सारे बैठते थे, परिवार तो जाकर सो जाता था, लेकिन वहाँ जो एरिया के बच्चे होते थे ना सब इकट्ठा होते थे, सिर्फ वो उकड़ी से मोदक बोलते थे वो खाने के लिए, हम लोग ये खाने के लिए रात भर जगे रहते थे, तो उस दौरान हम देखते थे उनकी पूजा पाठ और बप्पा से ऐसी बात करते थे, बप्पा जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं आपको बुलाऊंगी, हाँ आप आना घर, ऐसे बोलते थे उनको। पर बोलते हैं कि वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके घर ये पधारते हैं, और लोग मानते हैं 3 साल 5 साल 11 साल। मैं जब फर्स्ट टाइम लेकर आई थी तो मैंने एक ही बात बोला था पप्पा से कि पप्पा मेरी, मैं उस लायक रही मैं तब तक आप, मतलब जब तक आप चाहोगे तब तक घर में स्वागत है आपका, तो ये पप्पा की मर्जी है। और 4 साल में तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ दिया, बस इतना बोलूँगी पप्पा इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सीमा अगर पप्पा की बात हो रही है तो हमने ये भी जानना चाहेंगे कि पप्पा की खास 5 खास बातें हैं, एक तो उनकी लंबी सूंड है, दूसरी उनके बड़े कान हैं, तीसरा उनका बड़ा पेट है, और चौथा उनका छोटी आँखें। इन 5 खास बातों में से एक कोई अगर बात आपको शेयर करना हो तो क्या कहेंगे? मैं बता
पेट लंबा क्यों है गणपति का, क्यों होता है? हाँ वो मुझे पता है कि वो सारी बातें अपने पेट हजम में कर ले हाँ। जाते हैं। हाँ आप नहीं हजम कर पाते। मुझे भी बस यही बात पता है कि उनका पेट इसलिए इतना बड़ा है कि वो सारी बातें यहाँ सुनते हैं और अपने पेट में हजम करते हैं, कभी किसी से बाहर शेयर नहीं करते। तो मुझे भी यही बात पता है उनके बारे में, पापा के बारे में। सौरभ आपको क्या कुछ पापा के बारे में अगर आगमन है तो कुछ जानकारी दी सकती होगी आपने? खास बातें क्या है पापा कैसे पूजा करते हैं, कैसे करवाते हैं, कैसे विसर्जन पद्धति क्या है? इसके बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं बिहारी हूँ, ठीक है। ये यहाँ रही है सब कुछ जितना भी मतलब पूजा करने के तौर तरीके जो भी है, मैंने इससे ही कुछ सीखा है, ठीक है। तो मुझसे अच्छा तो यही बता सकते हैं आपको कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं, क्या करते हैं। बट हाँ एक चीज़ जो इसने बोला ना अभी कि पापा पेट में बातें पचाते हैं, हाँ वो भी पचाते हैं और ये भी पचाते हैं। इसलिए शायद दोनों का पेट थोड़ा अच्छा। दोनों बप्पा भी खाते पीते करके मैं भी खाती हूं, क्योंकि जब दूर दृष्टि होती है तो आदमी ऐसे आंख खोल के नहीं देखता। हाँ। आंख थोड़ी सी छोटी करके देखता है, तो सीमा में भी वही बात है, आंख उनकी थोड़ी छोटी है, क्या कहेंगे? हाँ वो मेरे प्रति है, मेरे बारे में दूर से देख रहे की क्या कर रहे हैं, क्या दूरदृष्टि के बारे में क्या कहेंगे? दूरदृष्टि जो आपने विजन किया था, अचीव किया, और क्या अचीव करने वाली थी उसके बाद? मुझे जो अचीव करना था वो मैं कर चुकी हूँ। मेरे लिए फाइनली यही। और अब जो है वो इनसे है, अब हम मैं जो भी पाना चाहती हूँ वो इनके जरिए, इनका नाम, इनकी इज्जत, मैं बस पापा से यही मांगती हूँ कि अब इनके जरिए मेरा नाम है, मेरा जो था वो तो हो गया है और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छी इज्जत बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि ये मेंटेन रहे और ये इसी में और आगे जाए, क्योंकि अब मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के जरिए हूँ। मेंटेनेंस काम में रहे या फिटनेस में? दोनों में, दोनों 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 में जरूरी है। हाँ ये दोनों दोनों फिट रहेंगे तभी काम अच्छा से हो सकता है। मूवी भी कर रहे हैं, हिंदी फिल्म थोड़ा बताइए, आजकल बहुत खबर आ रही है। नहीं 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 बताना। नहीं नहीं हमने फोटो देखा फेसबुक पे आप। हाँ हम लोगों की प्लान तो चल रही है एक मूवी की। देखिए जब ना सब कंप्लीट हो जाए ना तब बताना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी है, मैंने मेरे करियर में मैंने हमेशा ऐसा किया है कि जब कुछ काम हो गया है ना तब मैंने बताया। एक होता है ना कि बोल दिया अरे कुछ कर, ये होता है मेरा हमेशा रहा है। मैंने गोविंदा जी के साथ मीटिंग किया, उनके साथ मैंने रिहर्सल किया, डेली हम लोगों का वो कॉस्ट्यूम ये होगा वो होगा, एक महीने तक बात सब होता रहा। लेकिन मैंने कब सबको बताया, जिस दिन मैंने गाना शूट कर लिया तो वो खुशी अलग थी, सब लोग वाह सीमा जी बहुत अच्छा लगा ये वो। अब होता है ना चल रहा है चल रहा है, पता नहीं किए नहीं किए, ये चीज़ें होती है। तो मेरा हमेशा बिलीव ये रहा ना कि करो तो ज़्यादा अपने लोगों को खुशी होती है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में सीमा सिंह लौटेंगी या नहीं? सौरभ जी आप बता दीजिए, वो आपकी तरफ इशारा करेंगे। वो तो बेचारे मुझे बोलते हैं क्या करना है, करना है कि नहीं करना है, नहीं 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 मेरी कोई रोक टोक नहीं है, बिंदास। अगर मन है तो आगे भी कर सकती है, नहीं मन है तो आगे जैसे इसकी लाइफ इसको बिताने की इच्छा। फिलहाल तो मैं जो करना चाह रहा हूँ यही है कि एज अ प्रोड्यूसर इसको किसी भी तरीके से साथ में खड़ा कर सकूँ। मतलब बैठ के खाने में जो मजा है ना वो काम करके खाने में नहीं। लेकिन आपने भी बहुत लंबा सफर तय किया है तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि बैठ के खाने? हाँ तो मैं वही, लोग मुझे पूछते हैं कि आपने क्यों काम छोड़ दिया, मैं एक्चुअली सच में ये बताना चाहूँगी कि मैंने 11 साल रील पे काम किया, मतलब काम किया है मैंने, तो अब रियल जिंदगी जी रही हूँ, तो यार मुझे शांति से एक दो साल तो जीने दो। लोग पूछने लगे थे सिमा जी काम करेंगे नहीं अभी, करेंगे कि नहीं अभी, अरे शादी को टाइम ही कितना हुआ, लोग अचानक पूछना शुरू कर दिए कि काम करेंगे कि नहीं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप अभी वैकेशन मना रही हैं शादी? यस, अपनी रियल जिंदगी में जी रही हूँ। जो मैं बोलते ना मैंने काम के चक्कर में घूमना फिरना बंद कर दिया था, सिर्फ काम काम काम, सुबह की फ्लाइट पकड़ी, रात को गाना कि सुबह फ्लाइट उठ, फिर दोपहर में बैठी, फिर शाम की फ्लाइट पकड़ी, फिर शूटिंग पे चली गई। मैं सिर्फ रक्षाबंधन और दीपावली लोगों को बोलती थी और एक गणपति की, मैं ये 4 दिन साल में ना काम नहीं करती क्योंकि ना मैं घर जाती हूँ और गणपति में यहाँ 1.5 दिन 2 दिन का रहता है, बाकी दिन सिर्फ काम ही काम करती थी। तो अब
अब पता चला कि रियल जिंदगी क्या होती है, वो जी रही हूँ मैं अपने परिवार के साथ, अपने मायके के साथ, अपने ससुराल के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मैं अपनी रियल जिंदगी जी रही हूँ। सौरभ जी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब सीमा जी पहले इंडस्ट्री में थी, रियल लाइफ जी रहे थे, अब रियल लाइफ में आपके साथ कैसा चल रहा है? अच्छा, रियल लाइफ ज़्यादा अच्छा है। कुछ बताना चाहेंगे उनकी खूबी? एक दो हो तो शायद मैं गिना भी देता, बट एक एक छोटी छोटी बात कैसे गिना सकता हूँ। जो आपको पसंद है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी ख्याल बहुत अच्छे से रखती है, कभी भी कुछ भी हो, खाना हो, कुछ भी हो, जो कि यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सेलिब्रिटी कि वो आपके लिए कभी खाना बना दे या फिर खाना खिलाने के लिए मतलब फ़ोन करे कि हाँ अरे कहाँ रहे, तो ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है। आने वाले सर एक साल में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, कहाँ क्या अचीवमेंट आप पाना चाह रहे हैं? देखता हूँ, मैं कोशिश तो हूँ कि एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में नज़र आऊँ, और बाकी बप्पा है कहाँ लेके जाते हैं। और बॉलीवुड में जो आपकी एंट्री है उसको किस रूप में देखते हैं बतौर निर्माता? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छी मूवी बनाने की, सीमा साथ में है, हम दोनों मिल के कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी और सच्ची घटना के ऊपर ही मूवी बने। जब भी बनाऊँ मैं, आगे भी बनाऊँ उसके बाद भी, ठीक है, तो एक सच्ची घटना पे ही आधारित हो, ताकि मतलब लोगों को कुछ उससे सीख मिल सके। ठीक है, तो अब बाकी मैं कोशिश कर सकता हूँ। बात कहाँ तक पहुँची सर, ये बात तो चल रही है, पहुँची कहाँ तक है? देखिए, ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस शूट डेट मैंने अनाउंस